दोस्तों आपके अपने चैनल द एग्जाम टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों टेक्नीशियन वाले छात्रों के लिए अपडेट आ रही है। दोस्तों जिनका भी NFR में पैनल आया था तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फीटर वाला स्टूडेंट का यहाँ पर आपका रंगिया डिवीजन में दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DB के लिए इस कैंडिडेट को बुलाया गया है। किसी कैंडिडेट ने भेजा है, कैंडिडेट इन पैनल फॉर द कैटेगरी नंबर आपका टेक्नीशियन Grade 3 था, फिटर इन रंगिया डिवीजन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये रंगिया डिवीजन था, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में इनको दिया गया है। रंगिया डिवीजन में इनको बोला गया है इनको कब ये वहाँ पर रिपोर्ट करना है, इसके बारे में इसमें बताया गया है कब इनको वहाँ पर जाना है। और यहाँ पर 3-4 स्टूडेंट को इस तरह से भेजा गया है। और जिन भी कैंडिडेट को NFR से नहीं आया है तो वो लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि वहाँ पर उनको डिवीज़न कौन सा अलाउट किया गया है वो डिवीज़न के द्वारा भेजा जाता है। तो वो कब शेड्यूल करते हैं उस पर डिपेंड है, और किस कैटेगरी का, माने कि रंगिया डिवीज़न का ही होंगे लेकिन इनका कैटेगरी नंबर अलग है, इनका फिटर में है। तो अगर अलग आपका कैटेगरी होगा तो उसका बाद में भी आ सकता है, तो घबराइएगा नहीं, जिनका भी होगा वो आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करिएगा। लेकिन हाँ, मेल चेक करते रहिएगा, मेल पर ही आएगा, ये मेल का ही ये कॉपी है, उन्होंने स्टूडेंट ने भेजा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें क्या बोला गया है, इन्होंने 2 दिन पहले ही इन्फॉर्म किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका बोला गया है कि इन टर्म ऑफ GMP ये आपका लेटर नंबर बताया गया है, कि ये लेटर नंबर है जो कि इनका शायद इम्पेनमेंट इस डेट को आया था वो बताया गया है। और वैसे ये यहाँ पर देख सकते हैं, यू हैव बीन इम्पेनल फॉर रिक्वायरमेंट इन Group C। यहाँ पर बोला गया स्पष्ट रूप से कि Group C पोस्ट के लिए एज टेक्नीशियन Grade 3 फिटर, जो कि आपका Level 2 का पोस्ट होता है, 7 CPC इन रंगिया डिवीजन में इनको कहा गया है रिपोर्ट करने के लिए, एंड जो कि NFR यानी कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे है। यू आर एडवाइज टू, इनको बोला गया है टू अटेंड दिस ऑफिस विद द फ्लोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, और इसके साथ आपको कुछ अटैचमेंट भी दिया जाएगा, जैसे आपका एंडमिटी फॉर्म रहेगा, एस्टेशन फॉर्म रहेगा, करेक्टर वगैरह जो रहता है वो सारा इसमें अटैच रहेगा। तो उन सभी को आपको फिल करके और वहाँ पर आपको कुछ का जितने भी कॉपी में बोलेंगे तो उतने कॉपी में आपको यहाँ पर लेकर जाना है। इसमें देखेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स बोला गया है, इसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर बोला गया है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट द जीरोक्स कॉपी वहाँ पर सबमिट करना होगा, और ओरिजिनल कॉपी जो होगा वो उसको वहाँ पर मिलान कर लेंगे, उसके बाद आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। तो ये डॉक्यूमेंट्स ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड रहना चाहिए, और इनको बोला गया है कि 28/9/2022 को इनको वहाँ पर रिपोर्ट करना है। तो ये जिनका भी कैंडिडेट का आया होगा इस डेट का रिपोर्ट करने के लिए, तो वो सभी स्टूडेंट्स ने आप अपना जितना भी आपका जितने भी कॉपी में बोला गया है डॉक्यूमेंट्स जो जो बोला गया है उसको ध्यानपूर्वक वहाँ पर ले जाइएगा, सभी को मिलान करके यहाँ से ले जाइएगा घर से, क्योंकि वहाँ पर अगर आपका डॉक्यूमेंट्स कमी हो जाता है तो फिर आपको रिटर्न भी भेज दिया जाता है कि आप जाइए डॉक्यूमेंट्स लेकर आइए, या फिर आपका वहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि वो उन पर डिपेंड है, कहेंगे कि आप इस डेट को आपको रिपोर्ट करने के लिए बोला गया था तो आपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ क्यों नहीं लाया, तो उसमें कैंडिडेचर भी रद्द किया जा सकता है। वैसा तो अभी केस सुनने के लिए नहीं आया, लेकिन उन पर डिपेंड है फुली, तो आप लोग सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर लेके जाइएगा, मिलान कर लीजिएगा 2-3 बार सही से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, तो आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया है कि NFR का रंगिया डिवीज़न का इनका भेजा गया है। तो जो भी कैंडिडेट होंगे NFR का अपना मेल चेक करते रहिएगा। यहाँ पर आगे बोला गया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। यहाँ पर बोला गया है कि कॉपी ऑफ ऑल एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो रहेगा, एडमिट कार्ड आपका रहेगा, मार्कशीट रहेगा कंटेनिंग द प्रूफ ऑफ द डेट बर्थ। तो यहाँ पर आपका जिसमें डेट ऑफ बर्थ रहता है वो आपको वहाँ पर ले जाना है। तो यहाँ पर आगे बोला गया है कि कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय कंपिटेंट ऑथोरिटी, जो भी आपका रहते हैं उनके द्वारा रहना चाहिए। यहाँ पर 2 कॉपी ऑफ में नंबर ऑफ करेक्टर सर्टिफिकेट मांगा गया है, इशूड बाय 2 डिफरेंट गैजेटेड ऑफिसर से, फॉर्मेट यहाँ पर इनक्लोज्ड आपको दिया गया होगा ईमेल में वहाँ पर रहता है, तो उसी फॉर्मेट में आपको फिलअप करवा के ले जाना है, बनवा कर ले जाना है। यहाँ पर अटेस्टेशन फॉर्म आपको दिया गया है, 3 कॉपी में आपको वहाँ पर जमा करना है, ड्यूली फिल्ड एंड एफेक्स विद द रिसेंट फोटोग्राफ, साइज का आपका वहाँ पर फोटोग्राफ रहना चाहिए, नया रहना चाहिए, इसके बारे में आपको बोल दिया।
आगे आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि इंडिमिटी फॉर्म बॉन्ड, इंडिमिटी बॉन्ड जो रहता है वो देना होगा। इस पर आपका यहाँ पर बोला गया इंडियन नॉन जुडिशियल पेपर ऑफ 20 रुपीज़ फॉर्मेट पर इंक्लोज रहना चाहिए, यानी कि 20 रुपीज़ का आपका स्टाम्प वहाँ पर रहना चाहिए। अगर वहाँ पर माने किसी केस में 20 रुपीज़ का नहीं मिल रहा है तो आप इससे ज़्यादा का भी लगा सकते हैं, लेकिन इससे कम का नहीं रहना चाहिए, 20 रुपीज़ से कम का नहीं रहना चाहिए, इन बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आगे 6 पॉइंट में बोला गया कि 10 नंबर ऑफ रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ्स आपको ले जाना है, वहाँ पर 10 नंबर में आपका ये ले जाना है 10 नंबर्स ऑफ फोटोग्राफ। और यहाँ पर आगे आपको बोला गया है कि बैंक अकाउंट इन डिटेल डिटेल्स, आपका जीरोक्स कॉपी जो पासबुक रहता है उसका जीरोक्स करवा लीजिएगा, और वहाँ पर आपको कैंसिल चेक भी लेना ले जाना पड़ता था। जिन भी कैंडिडेट का चेक नहीं होगा तो आप लोग कैंसिल चेक निकलवा लीजिएगा, मतलब ये अप्लाई कर दीजिएगा तो जल्द से जल्द आप लोग का वहाँ पर मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ को देख लीजिएगा, उसके बाद कैंसिल चेक वहाँ पर जमा करना पड़ता है, तो इन चीज़ों को देख लीजिएगा। और आपका जो पासबुक रहेगा उसका फ्रंट पेज रहता है उसका जीरोक्स वहाँ पर जमा किया जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद पैन कार्ड का रहेगा उसका जीरोक्स कॉपी ले जाना है, यहाँ पर 1 ओरिजिनल कोर्ट हैप्पी डेबिट कंटेनिंग द फ्लोइंग, आपका एक हैप्पी डेबिट रहना चाहिए। तो यहाँ पर हैप्पी डेबिट इसलिए रहता है कि वहाँ पर जो एक आपका ये रहता है कि आप जो भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वो सभी मतलब ट्रू है, ओरिजिनल है, उसमें किसी तरह का फर्जीवाड़ा या फॉल्स नहीं है। तो अगर उसमें फॉल्स पाए जाते हैं तो आगे आप पर कार्रवाई भी किया जा सकता है, तो वो इससे रिलेटेड यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें आपका अंडरटेकिंग इस तरह से बोला गया है कि ICD अगर मेल है तो यहाँ पर नाम ये उनके, और यहाँ पर सन ऑफ या डॉटर ऑफ यहाँ पर नाम दिया जाएगा। डिक्लेयर दैट द एजुकेशनल सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस्ड बाय मी फॉर सिक्योरिंग अपॉइंटमेंट इन रेलवेज आर जेन्यून, जो अपॉइंटमेंट के लिए आप दे रहे हैं यहाँ पर जितने भी डॉक्यूमेंट्स को जमा किए हैं वो सभी जेन्यून हैं, वो आपका फॉल्स नहीं है। इफ़ एनी ऑफ दीज इज फाउंड बोगस या फेक पाए जाते हैं, यानी कि आपको फॉल्स रहता है, तो आगे आपका कार्रवाई किया जाएगा। आई फुल्ली अंडरस्टैंड दैट माई अपॉइंटमेंट विल बी समरली टर्मिनेबल, मतलब किसी भी समय पर आपका टर्मिनेट कर दिया जाएगा आपको नौकरी से यहाँ पर बाय द रेलवे अथॉरिटी विदाउट एनी नोटिस की भी आपको हटाया जा सकता है। टू मी यहाँ पर विल बी लाइबल फॉर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर द सबमिटिंग बोगस एंड फेक सर्टिफिकेट, तो आप पर कार्रवाई जो भी आपका क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन के तहत जो आप पर कार्रवाई भी किया जा सकता है यहाँ पर बोगस सर्टिफिकेट देने के आरोप में, इन सभी के बातों का यहाँ पर बोला गया। आगे आपको पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह यहाँ पर बोला गया है, योर ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इज प्रोविजनल पेंडिंग पुलिस वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यू विल हैव टू कंफर्म टू रूल एंड रेगुलेशन एप्लीकेबल टू योर अपॉइंटमेंट, तो आपको सभी रूल एंड रेगुलेशन का वहाँ पर फॉलो करना है। आपको पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पर आपको देना होता है, करेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना होता है। यू मस्ट बी प्रिपेयर टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट एट एनी स्टेशन विद इन द डिवीज़न, तो आप उस डिवीज़न के किसी भी स्टेशन पर जाकर आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर वहाँ पर या फिर ऑफर लेटर वहाँ पर एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर जाकर आप सभी डॉक्यूमेंट्स है वहाँ पर जाकर दिखा सकते हैं। रंगिया डिवीज़न का ही रहना चाहिए, लेकिन जैसे इनको दिया गया रंगिया डिवीज़न तो उसी डिवीज़न का कोई भी स्टेशन भी रहना चाहिए होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको बोला गया, आगे बोला गया कि यू विल बी गाइडेड बाय द न्यू पेंशन रूल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपका आगे का प्रोसेस है। तो खैर अभी आपको यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया गया है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर ले लिया जाएगा, आप इसको अपॉइंटमेंट बोलिए या ऑफर बोलिए वहाँ पर वो सेम ही चीज़ है, आप वहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट्स आपका सही रहता है, तो आपको आगे वहाँ पर ज्वाइनिंग दे दिया जाएगा। उसके बाद आपको 2-3 दिन के अंदर में आपको 3-4 दिन का वक्त दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। आपका वहाँ पर DB होगा, सारा डॉक्यूमेंट्स मैच कर लिया जाएगा, उसके बाद आपका रिमेडिकल 1 या 2 दिन बाद या फिर उसी दिन भी भेजा जा सकता है, वो डिवीज़न पर डिपेंड करता है कि आपको DB होने के बाद आपको मेडिकल के लिए भेज देगा कि इस हॉस्पिटल में जाके करवा लीजिए, जो रेलवे का हॉस्पिटल रहता है उसमें करवा लीजिए, उसके बाद वो सही रहेगा, सब फिट रहिएगा। उसके बाद आपको 2-3-4 दिन में आपको टाइम रहेगा, उसके बाद आपको वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग ट्रेनिंग करिएगा। तो ये आपका अपडेट था। आगे जिन भी कैंडिडेट का आएगा तो आपको द एग्जाम टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से ALP JEE टेक्नीशियन ड्रीम ग्रुप डी या फिर रेलवे का कोई भी एग्जाम होता है तो आपको अपडेट कर दिया जाता है। किसी प्रकार का छोटा से छोटा भी अपडेट होता है तो आपको देखने के लिए मिल जाता है, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाता है या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाता है।
तो दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एवं बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट हो तो आपसे छूटेगा नहीं। आपको जैसे ही कोई वीडियो डाला जाएगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। एवं दोस्तों ये द एग्जाम टाइम्स का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी आपको कोई भी अपडेट होता है तो यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर 900 के करीब स्टूडेंट यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो आप भी इससे जुड़ सकते हैं। आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइएगा तो वहाँ पर लिंक दे दिया गया है इससे सभी सोशल मीडिया का, तो आप वहाँ से आके डायरेक्टली यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पर आपको ऑप्शन फॉर्म के लिए आपको टाइम दिया गया था, जिन भी कैंडिडेट आप गोरखपुर डिवीज़न में होंगे इस पर वीडियो बना हुआ है कि सभी को यहाँ पर किनको किनको भरना है, आप लोग देख लीजिएगा। ये वीडियो नहीं देखे हैं तो यहाँ पर डिवीज़न अलॉटमेंट हुआ है ईस्टर्न रेलवे का, वो नहीं देखे तो वो भी देख लीजिएगा। और यहाँ पर आपका ये आपका स्पेशल एडिशनल पैनल निकाला गया है तो वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं, सभी अपडेट यहाँ पर दिया हुआ है। एवं कोई भी स्टूडेंट और भी कोई स्टूडेंट अगर किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स भेजना चाहते हैं, उनको किसी प्रकार का मानिए ऑफर लेटर वगैरह आता है तो आप भेज सकते हैं। ये सत्यवान शायद इनका एस के कुमार सत्यवान नाम था तो उस स्टूडेंट ने यहाँ पर ईमेल के माध्यम से भेजा था, ईमेल कर दिया था, तो यहाँ पर उसी को मैंने यहाँ पर आप सबों के सामने रख दिया है कि जिन भी कैंडिडेट का हो आप लोग थोड़ा अवेयर हो जाइएगा, आप लोग अपना ईमेल वगैरह चेक करते रहिएगा। तो आगे जो भी अपडेट आएगा आपको द एग्जाम टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एवं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।